पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नहीं मिला सातवीं किस्त का पैसा, तो आप इन फोन नंबर पर करें शिकायत दर्ज, जल्द मिलेगा किस्त का पैसा। हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व्हाट्सएप और फेसबुक सभी जगह, और हमारे लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नहीं मिला पैसा तो इन नंबर पर करें शिकायत दर्ज, तुरंत होगी कार्रवाई। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके टू न्यूज में। दो दिन पहले 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की सातवीं किस्त जारी की है। सातवीं किस्त जारी होते ही पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 2,000 रूपए पहुँच गए है। पीएम मोदी ने इस दौरान 6 राज्य के किसानों से भी बातचीत की है। बता दें कि करीब 9 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना की सातवीं किस्त का पैसा मिला है। अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं और आपको 2,000 रूपए की किस्त नहीं मिली है तो आप इसके लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि वो टोल फ्री नंबर जिन पर आप कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कैसे करें शिकायत दर्ज? आपको जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी की तरफ से जारी की गई सातवीं किस्त का पैसा सभी को नहीं मिला है। इसकी वजह यह हो सकती है कि बहुत से किसान के नाम पुरानी लिस्टों में शामिल थे, हालांकि नई लिस्ट में उनका नाम नहीं है। अगर आप भी ऐसे किसानों में शामिल है तो परेशान न हो, आप 011-243-00-666 पर कॉल कर सकते हैं। कृषि मंत्रालय के शिकायत नंबर, आप सीधे कृषि मंत्रालय से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहाँ हम आपको वे सारे नंबर देंगे जिन पर आप शिकायत कर सकते हैं। पीएम किसान टोल फ्री नंबर 1811-55-266, पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155-261, पीएम किसान लेड लाइन नंबर 011-233-810-92 और 233-824-01, पीएम किसान की नई हेल्पलाइन नंबर 011-243-00-666। इसके अलावा आप पीएम किसान की एक और हेल्पलाइन नंबर 0120-602-5109 पर कॉल कर सकते हैं। आप pmkisanict@government.in पर भी ईमेल कर सकते हैं। लिस्ट में नाम चेक करने का तरीका, आपको सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। pmkisan.government.in पर जाने के बाद आपको फिर होम पेज पर मेन्यू में दिखे फॉर्मर कॉर्नर में आपको जाना होगा। यहाँ आपको लाभार्थी सूची मिलेगी, उस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको राज्य, जिला, उपजिला, ब्लॉक, गांव की डिटेल देनी होगी। फिर आपको गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। इतना करने के बाद आपको लिस्ट में आपका नाम दिखेगा। अब लिस्ट की एक कॉपी डाउनलोड करें और इसका स्क्रीनशॉट लेकर तैयार रखें। इस बार आया लेट पैसा। पीएम किसान योजना की सातवीं किस्त का पैसा 1 दिसंबर से ही भेजा जाना था, मगर इसमें कुछ देरी हुई है। सरकार ने किसान योजना के तहत पैसा 25 दिसंबर को भेजा था। बता दें कि पीएम किसान योजना मोदी सरकार के किसानों की आय 2022 तक दुनी करने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 2,000 रूपए की सातवीं किस्त भेजी जा चुकी है। 1 करोड़ से अधिक किसान हुए लिस्ट से बाहर। पहले पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 11 करोड़ के करीब थी, अब ये घटकर 9.97 करोड़ रह गई है। सरकार ने करीब 1.3 लाख लोगों को इस योजना से बाहर कर दिया है। असल में पीएम किसान योजना के तहत करोड़ ऐसे किसानों ने भी अपना नामांकन करा रखा था जो पात्र नहीं थे। सरकार ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया था। सरकार ने करोड़ों लोगों को योजना के पोर्टल से हटा दिया था। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सातवीं किस्त को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आने वाली वीडियो में हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना संबंधित आपको न्यू अपडेट देते रहे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह, और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं।